तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी हमारे ग्रीष्मकालीन अवकाश का गृह कार्य हल करेंगे। बच्चों, विषय है हमारा गणित, कक्षा 5वीं की हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, 31 मई 2021 सोमवार को हमें क्या गृह कार्य दिया गया है। तो बच्चों, आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ध्यान से देखें और समझें। देखिए बच्चों, गतिविधि पहली, केवल एक बार निम्नलिखित अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकीय संख्याओं का गठन करें, साथ ही उनका योग और अंतर ज्ञात करें। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे अंक दिए गए हैं। आप सभी को बच्चों इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। फिर बच्चों, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग करके आपको यहाँ लिखना है, मतलब जोड़कर। और बच्चों, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, मतलब उनमें को घटाकर यहाँ लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या 9, 4, 1, 5, 7 से क्या बनेगी। 9, 7, 5, 4, 1, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, 1, 4, 5, 7, 9। बच्चों, जब हम इन दोनों को, बड़ी संख्या छोटी संख्या को जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 112,120। और जब हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या को घटाएंगे तो इनका अंतर आएगा 82,962, ठीक है। अब देखिए अगला, 6, 2, 8, 1, 10, इससे बड़ी संख्या बनेगी 8, 6, 2, 1, 0। और इससे बनेगी छोटी संख्या 1, 0, 2, 6, 8, ठीक है। अब बच्चों, जब हम इन बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 96,478, ठीक है। और जब हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालेंगे, घटाएंगे, तो आएगा 75,982, ठीक है। आया सभी को समझ में। अगला देखिए बच्चों, गतिविधि दूसरी, पहेली, एक लड़के के जितने भाई हैं उतनी ही बहनें हैं। देखिए बच्चों, उतनी ही उसकी बहनें हैं और उसकी बहनों की संख्या भाइयों की संख्या की तुलना में आधी है। परिवार में कितने लड़के और लड़कियां हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, लड़के हमने ले लिए, ये हमारे लड़के अगर हम मानते हैं, ठीक है, ये हमारे लड़के हैं, ठीक है, और ये हमारी लड़कियां हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, लड़के को हमने लिया। अब बच्चों, इसमें से हम खुद को तो घटा ही देंगे, ठीक है, तो हमारी यहाँ आ जाएंगी लड़कियों की संख्या, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों आप सभी। अब बच्चों देखिए, लड़की बोला गया, उसकी बहनों की संख्या भाइयों की संख्या की तुलना में आधी है। तो बच्चों, लड़के हमारे पास जब बी है तो आधी मतलब 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारी लड़कियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। आया सभी को समझ में कि लड़का अगर बी है और लड़की अगर जी है तो लड़का कैसे निकलेगा यहाँ पे। सभी को आ गया समझ में। अब देखिए बच्चों, इस पे बोला गया है, लेकिन बच्चों बहन मतलब मेरी अगर कोई बहन होती है, एक बहन या दो बहन, तो बच्चों उसमें मैं अपने आप को तो नहीं गिनूंगी ना, मैं यही बोलूंगी कि मेरी 2 बहनें हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि मेरे भाई की कितनी बहनें, तो मेरे भाई की 3 बहनें हुई, तो यहाँ से हम खुद को घटा देंगे, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया इसको इस तरह से, तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b/2+1=g। अब देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशन आ गई, b-1=b/2+1, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना ये,
ठीक है, ये प्लस माइनस का कट जाएगा, बचा क्या अपने पास ये। जब बच्चों हम इसको इससे भाग देंगे, ठीक है, इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये कटेगा नहीं, ये b माइनस वन और b प्लस वन ये यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। जब हम इस b के पास इस दो को लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा चार। तो बच्चों हमें पता चल रहा है कि हमारे लड़कों की संख्या कितनी है, चार। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, b माइनस एक इक्वल्स टू जी, तो b कितने आ गए चार, चार में से एक गया, तो g क्या है हमारी लड़कियाँ, तो लड़कियों की संख्या भी हमारे पास आ गई कि लड़कियाँ तीन हैं और लड़के हमारे चार हैं। आया बच्चों सभी को समझ में? तो देखिए बच्चों, आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मैं एक तीन अंकीय संख्या हूँ, मेरा दहाई अंक मेरे इकाई अंक से ज़्यादा है, मेरा सैकड़ा अंक मेरे दहाई अंक से कम है, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता होगा ये हमारी इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये हमारी तीनों इस तरह से चलती है, ठीक है। अब इसने बोला है कि मेरा दहाई अंक मेरे इकाई अंक से पाँच ज़्यादा है, तो बच्चों अगर ये चार हुआ तो इसमें हम पाँच जोड़ेंगे तो ये हमारा नौ आ जाएगा, ठीक है। मेरा सैकड़ा अंक मेरे दहाई अंक से आठ कम है, अब सैकड़ा अंक ये इससे आठ कम है, इसमें आठ निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक, ठीक है। आगे सभी को समझ में? तो नंबर क्या हुआ 194, ठीक है। इसी तरह अगला देखिए बच्चों, अंक एक दो तीन चार पाँच का केवल एक बार उपयोग करके पांच अंकों की संख्या लिखे जो आठ से विभाज्य हो। तो बच्चों जो आठ से विभाज्य हो वो संख्या हमें लिखनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच को किस तरह लिखेंगे कि आठ से विभाजित हो जाए, तो 34,152, ठीक है। अब बच्चों इसे हम आठ से भाग देंगे, तो देखिए बच्चों आठ से भाग देखे भी देखिए, आठ चुके 32, 21 बचा, आठ एक आठ, आठ दूनी 16, यहाँ बचा 5, ये यहाँ 5 आ जाएगा 55, आठ छः 48, कितना बचा बच्चों यहाँ पे 72, 7, ये इधर हम 2 ले आएंगे तो ये हो जाएगा 72, 72 कितनी बार आता है 8 के पाड़े में 9 बार, तो ये 8 से हमने इसका भाग दिया 34,152 का, तो ये पूरा पूरा भाग गया 4,269, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे इसका लिख देते हैं कितनी बार गया, क्या संख्या है 34,152। बच्चों आप सभी इसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे, भाग देखे भी दिखाएंगे, ठीक है। रचनात्मक कार्य, खाद्य रंग भूरा, ब्राउन कलर का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए चीकू, मसूर दाल, आलू, कीवी आदि, पेय पदार्थ वॉनमिटा दूध, मैंगो शेक, परिवार के साथ समय, खेल, पशु, जगह, नाम, वस्तु से संबंधित खेल, अपना परिवार और दोस्तों के साथ खेले, दिन की गतिविधि, एक गीत, नृत्य, रंग या कुछ भी जो आप करना चाहते हैं। तो बच्चों आप अपने मन से जो भी आप गीत, नृत्य, रंग या कुछ भी जो आप करना चाहते हैं वो यहाँ गतिविधि करें। तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को हल कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो बच्चों इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।